सावन और खेसारी में आए दिन भाई कुछ न कुछ विवाद छिड़ता रहता है और कुछ न कुछ ऐसी बातें या कोई न कोई ऐसी खबर आ जाती है या फिर खबर नहीं आई तो भाई इनके एल्बम और फिल्मों से जुड़ी भाई ऐसी रिपोर्ट आ जाती है कि खबर बनानी पड़ जाती है। अब आपको बता दें कि 4 दिन पहले खेसारी लाल यादव का एक गाना रिलीज हुआ था हाई हील के सैंडल आदि शक्ति के यूट्यूब चैनल से। अब आपको बता दें इसमें उनका साथ दी थी अंतरा सिंह प्रियंका जो कि आजकल खेसारी के साथ उनके हर एल्बम में गाती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें ये एल्बम बड़े ही तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, इसका व्यूज हो गया है 5.2 मिलियन यानी कि इसे अब तक 52 लाख लोगों ने यूट्यूब पर देख लिया है। ठीक वही हाल दूगो रखले बानी यानी कि पवन सिंह के एल्बम का है और इसमें उनका साथ दिया है प्रियंका सिंह ने। जी हाँ, प्रियंका सिंह ये वही प्रियंका सिंह है जिन्होंने पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, निरहुआ हर एक के साथ बहुत जबरदस्त हिट गाने दिए हैं। अब बात अगर कर ले दूगो रख ले बानी का तो भाई ये आजकल टिकटॉक पे खूब धमाल मचा रहा है। ये गाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। पहले इस गाने ने स्लो रेटिंग पकड़ी थी, कम व्यूज आए थे, लेकिन अचानक इसके बोल सभी को इतने पसंद आ रहे हैं कि इस गाने ने टिकटॉक पे तो बवाल मचाया ही है, साथ ही साथ व्यूज के मामले में भी ये गाना काफी आगे बढ़ गया है। इसे अब तक 74 लाख लोगों ने यानी कि 7.4 मिलियन व्यूज मिल चुका है, देख चुके हैं, गाना सुन चुके हैं लोग और लोग इस गाने को बहुत पसंद कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या नया है? नया ये है कि भाई 4 दिन पहले रिलीज हुआ गाना जो कि खेसारी और अंतरा सिंह प्रियंका का है और 1 हफ्ते पहले रिलीज हुआ गाना दूगो रख ले बानी का क्या कंपेयर कुछ नहीं है। कंपेयर सिर्फ व्यूज वाइज देखा जाता है और उस तरह से देखा जाए तो ये गाना, इन दोनों का जो गाना है व्यूज वाइज बड़ा ही कंपेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन यहाँ एक खटकने वाली बात ये है कि जो खेसारी लाल यादव का गाना है ये गाना कॉपी गाना है। जी हाँ, जो कि ज़्यादातर खेसारी की हर एल्बम के साथ ये विवाद शुरू हो जाता है कि ऑलरेडी किसी और का गाना है, खेसारी ने इसे गा दिया है। लेकिन यहाँ भी खेसारी ये क्लियरिफाई करते नज़र आ रहे हैं कि उन्हें ये पता नहीं है। लेकिन खेसारी को कैसे पता नहीं हो सकता है क्योंकि ये गाना ऑलरेडी किसी और भाषा में गाया जा चुका है और ये गाना वहाँ का सबसे फेमस गाना है और ये आजकल गाना टिकटॉक पे धूम भी मचा रहा है। ये एक हरियाणवी गाना है जिसे कि भाई भोजपुरी में हूबहू कॉपी कर लिया गया है और अगर खेसारी ने ये गाना नहीं सुना होगा तो भाई उनके आजू बाजू के लोगों ने तो ये गाना ज़रूर सुना होगा, आपने भी सुना होगा। तो भाई इस गाने के बोल थे मारे करम में बावड़िया लिखा था, अब इस गाने को भोजपुरी में कॉपी करके बना दिया गया है हमारे करम में रे पगली लिखल है, यानी कि आप अब अपने आप ही समझ जाइए कि किसने किसका गाना कॉपी किया है। अब हो सकता है ओरिजिनल सॉन्ग जिसने गाया हो वो खेसारी पे दावा ठोक सकता है। अब भाई जो भी हो, वैसे भी नई बात क्या है, खेसारी के हर गाने के साथ विवाद तो आम बात है और कॉपी तो जैसे लगता है खेसारी के हर गाने के साथ मुफ्त में बढ़ जाती है। जिसको देखो वो यही कह देता है कि खेसारी जो गाना गा रहे हैं वो ऑलरेडी उनका लिखा हुआ है या फिर खेसारी चोरी का गाना गा रहे हैं। खैर, हम यहाँ आपको ये बताने वाले थे कि इन दोनों गानों में कंपेयर सिर्फ इनके व्यूज़ के लिए हो रहा है क्योंकि खेसारी लाल यादव का गाना 4 दिन पहले रिलीज़ हुआ और पवन सिंह का गाना भाई 1 हफ्ते हो गए हैं। इन दोनों में से कौन सबसे जल्दी 10 मिलियन व्यूज़ क्रॉस करता है ये सारा मामला इसी पर है क्योंकि भाई 10 मिलियन व्यूज़ हासिल करना कोई आसान काम थोड़ी है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।